हर इंसान की यही कोशिश रहती है कि जिंदगी में कोई दुख ना आए, कोई परेशानी ना आए, सारा जीवन सुख और खुशियों में गुजरे। हम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं दुखों से बचने के लिए, उसके लिए सारे रास्ते बंद कर देते हैं, लेकिन ये दुख बहुत चालाक है। आप उसके लिए सामने के दरवाजे बंद करते हैं, वो पीछे के दरवाजों से, चोर दरवाजों से आपकी जिंदगी में आ जाता है। इंसान पूरी सावधानी बरतता है कि दुखों से सामना न करना पड़े, दुखों से बच जाए, लेकिन फिर भी जिंदगी में एक के बाद एक दुख आते ही जाते हैं। हर इंसान की जिंदगी में तीन तरह के दुख होते हैं, एक धन का दुख, दूसरा तन का दुख, तीसरा मन का दुख। धन का दुख ऐसा होता है कि उससे इंसान थोड़ा दुखी तो होता है पर काम चला लेता है। धन को लेकर के इंसान बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता है, जिंदगी की गाड़ी चल जाती है, लेकिन उससे बढ़कर होता है तन का दुख। अगर शरीर में कोई बीमारी आ जाए जो शरीर के साथ जीवन भर चलती रहे तो वो दुख जरा भारी लगता है, परेशान करता है, लेकिन फिर भी उस दुख के साथ भी हम गुजारा कर लेते हैं, हम चलते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुख होता है मन का दुख। मन का दुख इतना दर्दनाक होता है कि उसको एक एक पल झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंसान धन का दुख झेल जाता है, तन का दुख भी झेल जाता है, लेकिन मन में अगर दुख हो तो उसे सह नहीं पाता, झेल नहीं पाता। तो सबसे ज्यादा दुख आपके मन में होता है, लेकिन इस मन के दुख का अंत कभी होगा भी या नहीं। आखिर कैसे छूटे इस मन के दुख से, क्योंकि इसे एक सेकंड भी सहना बहुत मुश्किल होता है। जिस इंसान के मन में दुखों का तूफान उठता रहता है वो इंसान समझो नरक की ही जिंदगी जी रहा है, उसकी सारी खुशियां खत्म हो जाती है, जिंदगी में कुछ बाकी बचता ही नहीं। तो सवाल ये है कि मन के इन दुखों का अंत कभी होगा भी या नहीं, या हमें हमेशा इन दुखों को सहते रहना पड़ेगा। जवाब यह है कि मन के दुखों का अंत जरूर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और उसका सिर्फ एक ही इलाज है, एक ही उपाय है। पता है क्या? आपके मन का डूब जाना। आपने कभी गौर किया, जिस चीज को करने से आपको बहुत खुशी मिलती है, आपको बहुत मजा आता है, तो आपका मन उसमें डूब जाता है। उतनी देर के लिए आप अपने हर गम को भूल जाते हैं, क्योंकि उसमें आपका मन डूब जाता है। मन के किसी चीज में डूब जाने की तीन अवस्थाएं हैं। एक तो बिल्कुल निम्न अवस्था, जैसे कई लोग अपना दुख भुलाने के लिए नशे में डूब जाते हैं, पर वो सबसे निम्न और सबसे बेकार अवस्था है मन के डूबने की। और जैसे ही इंसान नशे से बाहर आता है तो उसे अपना दुख और ज्यादा बढ़कर लगता है, और साथ ही उसका शरीर भी खराब हो जाता है। और मन के डूबने की मध्यम अवस्था है कि आपका मन किसी काम में डूब जाए, दोस्तों के साथ घूमने फिरने में डूब जाए, म्यूजिक में डूब जाए, डांस में डूब जाए, अपने किसी पैशन में डूब जाए, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट चलाने में डूब जाए, या दुनिया भर की जितनी भी चीजें, उनमें से किसी में भी आपका मन डूब जाता है, तो वो मन के डूबने की मध्यम अवस्था है। लेकिन सबसे सुंदर और सबसे बेहतर मन के डूबने की अवस्था है प्रेम और ध्यान। जो व्यक्ति प्रेम में डूबता है, जो व्यक्ति ध्यान में डूबता है, उसका मन जिंदगी के सारे दुखों से, सारे अभावों से, सारी तकलीफों से दूर हो जाता है, भूल जाता है सारे दुखों को। जब किसी का किसी से बहुत ज्यादा प्रेम हो जाता है तो लोग घंटों तक फोन पर बातें करते हैं, चैट करते हैं, मैसेज करते हैं, और उन्हें समय का एहसास तक नहीं होता। अगर कोई उन्हें कहता है कि तुम 3 घंटे से फोन पे बात कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि अभी तो फोन हाथ में लिया है, और उनके हिसाब से ये बात सच भी है। आपके हिसाब से घड़ी में 3 घंटे हो गए, लेकिन जब एक इंसान प्रेम में डूब जाता है तो उसे समय तक का भी एहसास नहीं होता है। उसे यही लगता है कि अभी तो बात शुरू की है। तो इन सारी बातों का सार यही है, आपके दुखों का अंत तभी होगा जब आपका मन डूब जाएगा। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। जब आपका दिमाग खाली होता है तब वो तरह तरह की बातें सोचता है, और उन्हीं विचारों से आप सुखी दुखी होते रहते हैं। लेकिन जब आपका मन कहीं डूब जाता है तब आपको दुख का एहसास तक नहीं होता। अगर आप अपने दुखों से छूटना चाहते हैं तो आप सोचो, ऐसी कौन सी चीज है जिससे करके आपको इतनी खुशी मिलती हो कि उसमें आपका मन ही डूब जाता हो, और वो चीज आपको रोज करनी है, आपको ज्यादा से ज्यादा समय तक करनी है। दुखों को मिटाना है ना, तो आपको अपनी खुशी के सोर्सेस बढ़ाने होंगे, जहाँ से आपको हमेशा खुशी मिलती रहे।
कई लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या करें, किस चीज से खुशी मिलेगी, समझ ही नहीं आता। अरे जिंदगी में कभी तो खुश हुए होगे ना, कुछ तो जिंदगी में ऐसा किया होगा ना जिससे करके आपको बस मजा आ गया हो, जिससे करके आप सब कुछ भूल गए हो, और उन सारी चीजों को आप अपनी जिंदगी में करना शुरू कर दें और कभी भी उन कामों को करना बंद ना करें। और सच कहूं, दुखों का अंत नहीं करना पड़ता, हमें खुश रहना सीखना पड़ता है। अंधेरा नहीं भगाना पड़ता, दिया जलाना पड़ता है। जहां रोशनी होती है अंधेरा अपने आप भाग जाता है, जहां सुबह होती है रात अपने आप भाग जाती है, और जहां पे खुशियां होती हैं वहां पे दुख और दर्द अपने आप भाग जाते हैं। दुखों से मत घबराओ, आप बस वो करो जिसमें आपको इतनी खुशी मिलती हो कि उसमें आपका मन ही डूब जाए। अगर आप जिंदगी भर उन सारे कामों को करते हैं जिसमें आपका मन डूब जाता है, तो विश्वास रखना बड़े से बड़ा दुख भी आपको रत्ती भर भी असर नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उल्टे सीधे काम करना शुरू कर दें। आप वो काम करें जिससे आपको तो खुशी मिले पर किसी और को दुख ना पहुंचे, किसी और को चोट ना पहुंचे। आप बस खुश रहना सीख जाओ, दुखों के बादल अपने आप छट जाएंगे।